चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आधे कंडक्टर होते हैं। हाँ, सेमी मतलब आधा ही हो गया, ठीक है। देखिए मटेरियल जो कंडक्टिविटी के हिसाब से जो कैटेगराइज किए गए हैं वो तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। एक होता है भैया इंसुलेटर, दूसरा होता है कंडक्टर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है भैया, जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता। अगर आप उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो तो उस पोटेंशियल डिफरेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर रास्ता बनना ही नहीं है। किसका रास्ता? इलेक्ट्रॉन के फ्लो का रास्ता वो बना ही नहीं सकता, क्रिएट ही नहीं कर सकता। फिर आता है भैया आपका कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है भैया, जिसके अक्रॉस में आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, बैटरी अप्लाई करो, और वो क्या करे भैया इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करे भैया स्टार्ट कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया कंडक्टर, क्या कहते हैं उसे। और एक तीसरा आता है, तीसरी कैटेगरी आती है, ठीक है भैया। उस तीसरी कैटेगरी के पास जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर से तो ज्यादा होती है, लेकिन कंडक्टर से क्या होती भैया कम होती है। तो जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया सेमी कंडक्टर कहते हैं। आप देखिए भैया सेमी कंडक्टर यूज क्यों किया गया, जब इतनी इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर के बराबर ही नहीं है तो ये यूज क्यों किया गया। तो भैया अभी आप देखोगे कि मैं जिस कंडक्टर की बात कर रहा हूँ जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम है उसको कहते हैं भैया इंट्रिंसिक टाइप सेमी कंडक्टर या प्योर सेमी कंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक टाइप सेमी कंडक्टर और प्योर सेमी कंडक्टर। तो जब कंडक्टर सेमी कंडक्टर अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। अब देखिए अब आगे आप पढ़ोगे कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इम्प्योरिटी मतलब अरे नहीं कचरा पचरा फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं। मतलब इम्प्योरिटी मतलब कहने का मतलब है कि जिस मटेरियल का है, जिन आइटम का वो सेमी कंडक्टर बना है उसके अलावा दूसरा आइटम मिला देना, इसे कहते हैं भैया इम्प्योरिटी। और इस प्रोसेस को कहते हैं डॉपिंग, ठीक है भैया। तो भैया डॉपिंग कर देते हैं। डॉपिंग करने के बाद होता क्या, डॉपिंग करने के बाद होता है कि भैया इसकी कंडक्टिविटी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और कंडक्टिविटी को हम आसानी से इसकी रेगुलेट कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं भैया। और बता, ठीक है, मैंने आपको नोट्स भेज रखे हैं, ठीक है, उसी नोट से करवाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझाना चालू करते हैं, ठीक है भैया। आपको लिखना भी है इस चैप्टर को वरना आप भूल जाओगे, ठीक है भैया। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, याद रखिए भैया। मैं आपको अभी सुनो, अभी अभी लिखवा नहीं रहा, अभी मैं केवल आपको ऊपर ऊपर से इस चीज को बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर लिखवाना चालू करूंगा ताकि आप सारे टर्म से क्या हो भैया फैमिलियर हो, ठीक है। देखिए भैया मैंने बोला जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है सेमी कंडक्टर की उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है कंडक्टर से काफी कम होती है, ठीक है भैया। और कंडक्टर से काफी कम होती है लेकिन इंसुलेटर से क्या होती है काफी ज्यादा होती है। इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। इम्प्योरिटी मिलाने मतलब डॉपिंग, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक ऐसे आइटम की मिलावट कर देते हैं जिसको जो क्या करता है इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब दो तरीके से डॉपिंग होती है, ठीक है। एक होती है एन टाइप सेमी कंडक्टर बनाने के लिए, एक होती है पी टाइप सेमी कंडक्टर बनाने के लिए। अब ध्यान दीजिए भैया ये एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर है क्या। देखिए भैया मान लीजिए आपने कार्बन या सिलिकन ले लिया, सिलिकन का सेमी कंडक्टर ले लिया, सिलिकन के सेमी कंडक्टर में, अच्छा सिलिकन की वैलेंसी कितनी होती है चार, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है भैया। अभी क्या होता है भैया ये चार इलेक्ट्रॉन फ्री है और हर एटम चाहता है किसको, ऑक्टेट को पूरा करना। पता होगा ना केमिस्ट्री में, पता होगा कि हर एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए भैया पूरा हो जाए। अगर मैं इस सिलिकन में फॉस्फोरस की मिलावट कर दूं, अब फॉस्फोरस को ही मिलावट क्योंकि, तो बता दूं भैया आपको ऐसे आइटम की मिलावट करनी है जिसका साइज नियरली क्या हो भैया सेम हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए मुझे इस दीवार में सोने की ईंट छुपानी है, वैसे मेरी औकात तो नहीं है लेकिन बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए भैया अब देखिए इसमें दीवार में आपको सोने की ईंट छुपानी है, ठीक है, दीवार जो भी है, ठीक है, दीवार हिंदी प्लस इंग्लिश दीवाल, ठीक है, दीवाल, अरे हिंदी में बोलने मेरा तात्पर्य हिंदी से आए, मेरा तात्पर्य हिंदी से था, ठीक है। तो अब देखिए भैया मुझे छुपानी है इसके अंदर ही,
तो मैं क्या करूं, ईंट का साइज कितना होना चाहिए, ईंट के बराबर। अगर ईंट से ज्यादा बड़ा हो गया फिर भी दीवार टूट जाएगी, और ईंट से छोटा हो गया तो छुप भी नहीं पाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना, जो इम्प्योरिटी में मिला रहे हो उसका साइज क्या होना चाहिए, उसके लगभग ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। तो जब मैं फॉस्फोरस की मिलावट सिलिकन के अंदर कर देता हूं तो फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, और सिलिकन के पास कितने होते हैं भैया, 4। मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, तो 4 वाले क्या करते हैं भैया, उसके 4 से इसके 4 क्या करते हैं भैया, बॉन्ड बना लेते हैं। अब जिन्होंने बॉन्ड बना लिया, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है भैया, वो तो भैया अपनी पोजीशन पे फिक्स हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पे, मारा मारा फिर रहा है। अगर ऐसे ही आपने 1 करोड़ फॉस्फोरस की मिलावट कर रखी है, बहुत छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ नहीं, करोड़ खरबों में होती है मिलावट है ये, ठीक है भैया, हाँ जो भी है। तो भैया यहाँ पर मैं फॉस्फोरस का इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि तेरे को सिलिकॉन और फॉस्फोरस एक साथ मिलते हो, साइज दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो भैया क्या हुआ कि यहाँ पर 1 अरब इलेक्ट्रॉन, अब मान लीजिए 1 अरब फॉस्फोरस की मिलावट की है मैंने, तो 1 अरब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गए। अब कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ गई, क्योंकि फ्री चार्जेस की वजह से ही क्या होती है भैया, कंडक्टिविटी होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फालतू है तो इसीलिए इसको कहते हैं भैया एन टाइप सेमी कंडक्टर, क्या कहते हैं इसे, एन टाइप सेमी कंडक्टर। उसके बाद अगर आपको पी टाइप बनाना है तो फॉस्फोरस को क्या करो भैया, एल्यूमिनियम के साथ डॉप कर दो, ठीक है भैया, सॉरी सिलिकन को एल्यूमिनियम के साथ डॉपिंग कर दो। तो इससे क्या होता है भैया कि सिलिकन के पास क्या होता है भैया, 4, और एल्यूमिनियम के पास क्या होता है भैया, 3, हाँ 3। अब एल्यूमिनियम के 3 जो होते हैं वो फॉस्फोरस के 4 से बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन सुन तो लो मेरी बात, सुनो, फॉस्फोरस के 4 के साथ बॉन्ड बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भैया बच जाता है एक फालतू का इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ती है, उस जो बॉन्ड बनने वाला है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, क्योंकि उसको ऑक्टेट पूरा करना है, यहाँ पर 7 ही इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं। तो पता क्या करता है, ये पड़ोस के किससे, पड़ोस के जो फॉस्फोरस मैंने डाला है ना, वो पड़ोस के सिलिकॉन से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, ठीक है भैया। अब पड़ोस के सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, लेकिन वहां से जहां से खींचा गया है वहां पर बन गया गड्ढा, क्या बन गया है, उसको इंग्लिश में कहते हैं होल कहते हैं, और उस होल पे आता है भैया पॉजिटिव चार्ज, क्या था भैया, क्योंकि वो एक एटम से आया, जो एटम पहले क्या था, न्यूट्रल था, क्या था, अब उससे एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप विड्रॉ कर लोगे तो उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और उसी पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते भैया, होल कहते हैं। और भैया यहां पर जो क्रिएट हुआ फालतू का, वो होल क्रिएट हुआ और उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए हम कहते हैं भैया ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, क्या है ये। अब एन टाइप और पी टाइप में देखिए भैया, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप की बात की जाए तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बहुत अच्छा होता है, और उससे ही हम लगभग क्या करते हैं भैया, सारे डिवाइस को बनाते हैं। रीजन ये होता है क्योंकि भैया एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, ठीक है भैया। तो इसलिए ध्यान रखना कि भैया हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर जो होता है हमारा क्या होता है भैया, ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, अपने हिसाब से हम उसको किसी भी डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं भैया, फिर आता है भैया पीएन जंक्शन, इस चैप्टर में आएगा आपका पीएन जंक्शन, सबसे मेन टॉपिक है ये पूरे चैप्टर का, ठीक है। पहले ट्रांजिस्टर होता था, लेकिन ट्रांजिस्टर पूरा का पूरा मतलब कि एनसीईआरटी के पिछले 4 पेज फाड़ दो ना, ठीक है भैया, ना आपका लॉजिक गेट है ना ही आपका वो है ट्रांजिस्टर है, ठीक है। लॉजिक गेट बहुत प्यारा टॉपिक होता था, तो 5 नंबर के न्यूमेरिकल हर साल आते थे, लेकिन आपसे वो प्यारा सा टॉपिक छीन लिया गया, ठीक है, बहुत प्यारा टॉपिक था, ठीक है भैया, 5 नंबर का फ्री का टॉपिक था, हर लड़की चाहे उसके पास मैथ्स हो नो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस कुछ रूल याद रखने, फंडामेंटल रूल, उसके बाद अपने आप एक ट्रुथ टेबल बनती थी अपनी, हो गया, फ्री का टॉपिक चला गया यहाँ से। अब सीएस वाले ने थोड़ा बहुत सुना होगा, सीएस वाले, लेकिन वो सीएस वाले छोटे लेवल पे सुन गया, उसमें थोड़ा बड़े लेवल पे, ठीक है भैया, ट्रुथ टेबल बनानी होती थी आपका, लॉजिक गेट्स होता था, ठीक है भैया। चलो खैर छोड़ो, मैं मुद्दे पे आता हूं। तो ओए पीएन जंक्शन, पीएन जो मिलता है उसको कहते हैं भैया डायोड, क्या कहते हैं उसे भैया, डायोड कहते हैं। ये एक साइड पी होती है, दूसरी साइड क्या होती है, एन होती है। अब होता क्या भैया, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आपको पता है पी टाइप में कौन है, किसकी कमी है, विशाल क्या बेटा फोन रख दो यार, हाँ रख दो बेटा रख दो, वो फोन मुझे दे दो, अगर आप मुझे नहीं दोगे तो मैं वहां पे आके लूंगा,
रुक जाओ, फिर आंटी के पास कॉल कर देता हूँ मैं। वाह आंटी, आंटी दो। हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं भाई, उसके पापा से बात कर लेते, उसके पापा का नंबर है। अब देखिए भैया, हमने क्या किया भैया, पीएन जंक्शन हमें क्या बनाना है, डायोड बनाना है पीएन जंक्शन, ठीक है भैया। अब क्या करते हैं, एक साइड में पी को लेते हैं, पी के पास किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन, एन के पास कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात और बता दूं भैया आपको, ये वाइवा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया पी टाइप पर कौन सा चार्ज होता है और एन टाइप में कैसा चार्ज होता है। बिल्कुल गलत आंसर है, न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पी टाइप पे पॉजिटिव मत समझना, एन टाइप पे नेगेटिव मत समझना, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, न्यूट्रल। चलो बता देता हूँ आपको क्यों, ए क्यों आपने, चलो मैं पी टाइप की बात करता हूँ, आपने पी टाइप बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया था, सिलिकॉन और फास्फोरस, सॉरी एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम में ध्यान दी भैया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13, कितने प्रोटोन होते हैं, 13, नेट चार्ज क्या हो गया, 0। मैंने जिसमें मिलाया वो सिलिकॉन है, और सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14, कितने प्रोटोन होते हैं भैया, ये भी क्या हो गया, 0। जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0+0। चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, अगर आप देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, नेट चार्ज क्या आ गया उसके ऊपर, 0। ऐसे ही एन टाइप में भी होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के क्या होते हैं भैया, बराबर होते। आपको लगता है, आप ये सोचोगे कि भैया इस पर तो नेगेटिव चार्ज है, नहीं नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेट चार्ज क्या है भैया दोनों सेमीकंडक्टर पे। मुद्दे की बात कर रहा था भैया, ध्यान दीजिए भैया, अब हमें बनाना है पीएन जंक्शन, क्या बनाना भैया। तो हमने क्या लिया, बड़ा पतला स्लाइस लिया किसका, पी टाइप सेमीकंडक्टर का, और बहुत पतला स्लाइस लिया एन टाइप सेमीकंडक्टर का, और दोनों को बहुत हाई टेम्परेचर पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर एकदम दोनों को क्या किया भैया, ऐसा मिला दिया। जब दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे तो भैया क्या हुआ, अब हाई टेम्परेचर होने की वजह से एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स क्या है भैया, ज्यादा मेजोरिटी में होते हैं, और पी टाइप में होल्स ज्यादा है, और होल मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो जैसे ही मैंने दोनों को ज्वाइन किया तो भैया क्या हुआ, एन से, एन टाइप सेमीकंडक्टर से कहां, एन टाइप से सेमीकंडक्टर से पी टाइप में कौन जंप करने लगा भैया, होल, इलेक्ट्रॉन जंप करने लगे, ठीक है भैया। अब देखिए एन टाइप से कौन जंप कर रहा है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन, तो एन टाइप में क्या हुआ भैया, इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगी, नहीं समझे। देखिए अभी अभी चैप्टर को खड़े ताकि विशाल बहुत गहरी बात बोल दी तूने। एन टाइप पी टाइप दोनों को ज्वाइन किया तो भैया यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर भागने लगे इधर की तरफ, ठीक है भैया, एन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हो, होल मूव नहीं करता, तो इस साइड में एन साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की विशाल डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कमी, और डेफिशिएंसी जब होती है इलेक्ट्रॉन की तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। क्या आता भैया, पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या होता है भैया, नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव, इधर भैया, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, क्या कहते हैं भैया, जब एन से पी की तरफ कौन जाता है भैया, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं, और यहां पर एक करंट आता है जिसे कहते हैं डिफ्यूजन करंट, क्या कहते हैं इसे भैया, आईडी, डिफ्यूजन करंट, कौन है, पुराना बच्चा कोई, हाँ भैया, हाँ बोल, अभी क्लास ले रहा हूँ, बाद में आता हूँ, ठीक है, क्लास ले रहा हूँ, बाद में आता हूँ, ठीक है, शाम को, ठीक है, अभी, हाँ भाई, अरे मेरे भाई यार, अभी क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, तो दो मिनट रुक तो जा, हाँ 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 खाली कर दिया उसने, मैंने बोल दिया उसको खाली कर दिया, ठीक है। ओए तो भैया इस, भाई प्लीज देखिए आप बोल रहे हो बात फालतू की बात, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन करंट, और यहां से एक करंट आता है आईडी, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन किसे कहते हैं, फ्यूज, डिफ्यूजन किसे कहते हैं, हाँ केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं,
अबे ये बताना नहीं बताया, साढ़े दांत की फाड़ रहा है क्या? ओए चुप रह। अब जो बोलेगा ना उससे पूछूंगा। हाँ डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है भैया, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। और यहाँ पर एक करंट आता है उसे डिफ्यूजन करंट कहते हैं। जैसा कि मैं पता, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होगी। अब एक चीज देखिए भैया, जब ये डिफ्यूजन हो रहा था तो एन साइड में क्या थी? पॉजिटिव चार्ज। और पी साइड में क्या था? तो भैया यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, क्योंकि आपको पता है जहां पर चार्ज होती है प्लस माइनस वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई यहाँ पर, क्या आ गई भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसे कहते हैं जंक्शन फील्ड। क्या कहते हैं इसे भैया? जहां पर दोनों मिले हैं वहां पर एक फील्ड क्रिएट होती है जिसकी डायरेक्शन एन से लेकर पी की तरफ, क्योंकि एन साइड में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और पी साइड में क्या होता है भैया? नेगेटिव चार्ज। यहां पर एक फील्ड क्रिएट होती है। अब भाई आपको पता है कि जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि इधर ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, इधर क्या होगा? ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी बहुत ज्यादा होगी तो वैसे ही यहाँ पर आपको पता भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ दूं मैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में क्या होता है? भागता है। ठीक है भैया, अब देखिए भैया, ये इलेक्ट्रॉन जो था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, आपको पता पी साइड में कई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? माइनॉरिटी होते हैं। क्या होते हैं? और एन साइड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मेजोरिटी होते हैं। यानी जो डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? मेजोरिटी की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? लेकिन जैसे जैसे जंक्शन फील्ड स्ट्रांग हुई, जैसे जैसे जंक्शन फील्ड में क्या हुई? ताकत आई। ठीक है भैया, जैसे जैसे जंक्शन पर चार्ज बढ़ा वैसे वैसे जंक्शन फील्ड भी क्या होगी? बढ़ी। तो वैसे क्या हुआ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे छोटे छोटे कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको इस जंक्शन फील्ड ने क्या किया? उल्टा खींच लिया। समझ रहे हो? क्योंकि जंक्शन फील्ड पहले स्ट्रांग हो रही है, जब स्ट्रांग होगी, इतनी स्ट्रांग होगी, तो उसने क्या किया? पी साइड से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या किया? खींचना चालू किया। अब इलेक्ट्रॉन क्या हुए? इधर भागने लगे। वो जो जा रहे थे वो कौन थे? डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन। और ये जो आ रहे हैं इसे माइनॉरिटी चार्ज। और आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में चलता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं इसे? याद है ड्रिफ्ट लॉस्ट? याद है ड्रिफ्ट लॉस्ट में भी तो इलेक्ट्रॉन उल्टा ही चल रहा था। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज करिए इधर आ रहे हैं, कहां से? पी से एन की तरफ, इसे कहते हैं ड्रिफ्टिंग। क्या कहते हैं इसे? और इसमें एक करंट आता है जिसे कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या कहते हैं इसे भैया? ड्रिफ्ट करंट। ठीक है भैया, ये डिफ्यूजन क्यों आता है? एन से पी में इलेक्ट्रॉन के जाने के लिए। और ये ड्रिफ्ट क्यों आता है? पी से एन की तरफ इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए। ठीक है भैया, अब ये धीरे धीरे डिफ्यूजन बढ़ता गया, जंक्शन फील्ड बढ़ती गई, ड्रिफ्ट भी क्या हुआ? बढ़ता गया। स्टार्टिंग में डिफ्यूजन बढ़ा तेज था, पता क्यों? क्योंकि भैया कोई ये और आपको बता दे रहा हूं, ये जंक्शन फील्ड जो बन रही है ना, ये इधर इलेक्ट्रॉन को जाने के रोकेगी। पता क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता ही नहीं है। तो जो ड्रिफ्ट वाला जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, ध्यान दीजिए भैया, डिफ्यूजन प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, जैसे जैसे जंक्शन फील्ड स्ट्रांग होती गई वैसे वैसे इधर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? जाना कम होते गए। क्योंकि आपको बता दूं भैया, इलेक्ट्रॉन कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल नहीं सकते। तो जैसे जैसे जंक्शन फील्ड स्ट्रांग हुई वैसे वैसे इधर इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे उनका रेट क्या हुआ? स्लो होता चला गया। लेकिन इधर आने वाले इलेक्ट्रॉन का रेट क्या हुआ? बढ़ता चला गया। ठीक है भैया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट क्या हुई? धीरे धीरे कम होने लगी। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट क्या हुई? धीरे धीरे बढ़ने लगी। स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट यहां पर था, ड्रिफ्ट यहां पर था। क्यों था यहां पर? क्योंकि भैया कोई जंक्शन फील्ड नहीं मिली थी और डिफ्यूजन बहुत तेजी से हो रहा था। ठीक है, एनसीपी में। लेकिन जैसे जैसे डिफ्यूजन हुआ वैसे वैसे जंक्शन फील्ड क्रिएट हुई, उसने जंक्शन फील्ड ने क्या किया? इसको कम करना चालू किया। लेकिन इसको ऐसे होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों ही बराबर हो गए। इस कंडीशन को कहते हैं भैया इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इस कंडीशन में जंक्शन बन के तैयार हो जाता है। समझिए भैया, बन गया आपका पीएन जंक्शन। क्या बन गया? अब इस पीएन जंक्शन के बनने के बाद भैया बहुत सारी चीजें बनानी है हमें इससे। ठीक है भैया, सोलर सेल, एलईडी, जेनर डायोड, ठीक है, और आपका एक और है भैया फोटो डायोड। ये आपको तीन डायोड, चार डायोड के बारे में पढ़ना है। मेरे ख्याल से जेनर डायोड आउट ऑफ सिलेबस है, देख लीजिए एक बार, है ना? आपसे नहीं पूछ रहा मैं, बाकी बच्चे बोल रहे हैं जेनर डायोड आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है भैया, तू तो मत ही ऐसे यार, अच्छा नामकरण हुआ इसका। ठीक है, देखिए भैया, तो जेनर डायोड आपका आउट ऑफ सिलेबस है, बड़ा ही प्यारा डायोड था। जितने भी डायोड आप पढ़ते ना, सबसे हार्ड था। अच्छा, वो कट गया। सबसे बड़ी थ्योरी थी, सबसे कॉम्प्लेक्स थ्योरी थी। ठीक भैया, इसलिए उसको साइड करके
सबसे सिंपल डायोड है अपने पास एलईडी, वह एकदम टुच्चा टाइप का एलईडी। दूसरा सोलर सेल, ऐसे ये सब दो क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर सारे निबड़ेंगे। और आपका है भैया फोटो डायोड, बिल्कुल चाहे सोलर सेल पढ़ लो चाहे फोटो डायोड पढ़ लो, एक ही है पढ़ाना पड़ेगा, तीन डायोड आपको पढ़ने। अभी ये बन गया, ओए ये बन गया, आपने देखा भैया इसकी एडवांटेज बहुत ज्यादा है। अब मैं इसकी सेमीकंडक्टर की एडवांटेज पे आता हूँ, ठीक है भैया। आपने देखा ए, अगर वायर को देखिए, वायर के साथ क्या चीज हम नहीं कर सकते और इसके साथ क्या चीज कर सकते, देखिए देखिए, अगर ये सर्किट है, ठीक है, सर्किट में लगा हुआ बल्ब आपका, ठीक है भैया, और ये लगी है बैटरी, ठीक है, ये है आपका स्विच, ठीक है भैया, बैटरी है, बल्ब है, ठीक है भैया। अगर आप इसके यहां पर कंडक्टर लगा देते हो गैप में, तो भैया अगर आपने कंडक्टर लगाया ना तो ये बल्ब जल जाएगा। चाहे आप ए बी, ए को सी से ज्वाइन करो, चाहे आप बी को सी से ज्वाइन करो, चाहे आप बी को सी से ज्वाइन करो, चाहे आप ए को डी से ज्वाइन करो, तो भैया इसकी प्रॉपर्टी एक जैसी रहेगी, वैसा ग्लो ही करेगा अगर ये कंडक्टर है। क्या है भैया, अगर ये कंडक्टर है तो भैया क्या करेगा, अगर आप किसी भी चाहे ए पॉइंट को सी से ज्वाइन करो और बी को डी से, चाहे आप बी को सी से और ए को डी से ज्वाइन करो, हमेशा बल्ब क्या करेगा, ग्लो ही करेगा। लेकिन अगर ये सेमी कंडक्टर है डायोड, ध्यान दीजिए भैया, अगर ये सेमी कंडक्टर है, तो भैया देखिए अगर ये सेमी कंडक्टर है, ये सेमी अगर हो गया तो भैया अगर ए से सी को ज्वाइन करने पर और बी को डी से ज्वाइन करने पर ये ग्लो कर रहा है, तो इसको उल्टा कर दोगे तो ग्लो ही नहीं करेगा, ठीक है भैया, इसको उल्टा कर दोगे तो ग्लो ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, भी पता लग जाएगा आपको। दोबारा बोल रहा हूँ भैया, अगर ये सेमी कंडक्टर है, इस तरीके से ज्वाइन करने पर, अगर ये इस गैप में अगर इस तरीके से आपने ज्वाइन किया इसको और ये बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इसको उल्टा करने पर ना वो जलेगा ही नहीं, जलेगा नहीं, जलेगा, ठीक है भैया। तो इसकी एडवांटेज, इसी एडवांटेज के लिए, इसी एडवांटेज के कारण हमने क्या किया, सेमी कंडक्टर को इस्तेमाल करना चालू किया। दूसरी बात, सेमी कंडक्टर जो होते ना, ये एलईडी, आप देखो, आप कोई भी आपको कांच वाला बल्ब या सीएफएल नहीं दिखेगा, सबका जमाना पुराना हो गया, अब केवल मिलती है एलईडी। रीजन क्या है भैया, क्योंकि इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है ना, बहुत टाइम तक होती है। पहले आते थे इतने बड़े बल्ब, पीला वाला बल्ब जलता था ना, अगर एक दो, अगर इतने दो बल्ब जलाते ना आपके घर, गर्मी पैदा होती है, आपके पसीने निकलते रहते, ठीक है, और क्या कहते हैं कि हाँ उन, ठीक है, और वो लाइट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे, बहुत ज्यादा लाइट। पहले केवल दो बल्ब होते थे पूरे घर में, पहले पूरे घर में दो बल्ब होते थे, लेकिन दो बल्ब ही क्या करते, 500-600 रुपए बिजली का बिल करते। अब 10 जलाओ और एक वो जलाओ, बराबर ही होता, उससे ही कम लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब ये 7-7 वाट की है, ये 7-7 वाट की जितनी है, ठीक है भैया, और ये ज्यादा ज्यादा 5 वाट की होगी, ये भी 5 वाट की होगी, अब बताओ, ठीक है भैया। तो अब आप सोचो कि कुल जोड़ लोगे तो 50 वाट मुश्किल से मिल रहा है, और वो अकेला इतना बड़ा चलता था और 100 वाट अकेला खेलता था, और कच्चा बल्ब भी आते थे, कच्चा एक कच्चा भी आता था बल्ब, एक पक्का बल्ब होता था, एक कच्चा बल्ब, और अगर पक्का जला ले ना तो आपको आग लगा देता, इतनी गर्मी पैदा करता, ठीक है, ठीक है। तो ये बड़ा ही खतरनाक जमाना था। अब खैर, अब दूसरी बात ये भैया, ये वहां से गिर जाए, इसको थोड़ा मोटा टेढ़ा वेढ़ा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भैया। लेकिन वो था, वो ये कांच का था, छुई मुई था, तुरंत फुट से फूट जाता था, टेम्परेचर डिफरेंस टूट गया, हाँ टेम्परेचर डिफरेंस जैसे उसको मिलता था फूट जाता था। दो बार ऐसे कर दो, लुप लुप लुप, खत्म, दो बार स्विच ऑफ ऑन कर दो, खत्म, वो वहीं पे उसकी डेडलाइन आ गई, ठीक है। तो बहुत सारे कारण थे। अब ये पहले सेमी कंडक्टर नहीं आया था, तो पहले की टीवी इतनी मोटी होती थी, ठीक है, इतनी टीवी पिक्चर ट्यूब, अब भाई यार छोटी टीवी लेगा तो इतनी होती थी, ठीक है, बड़ी टीवी इससे बड़ी होती थी, ठीक है, ठीक है। और ऐसी भी टीवी आ रही, उसमें शटर लगा होता था, यूं करके खोलते थे, यूं करके गिराते थे, ठीक है। तो भैया, अरे अरे मेरी बुआ के पास अभी पड़ी है, मेरी बुआ के पास भी पड़ी है सेंटर वाली टीवी, अब टीवी पिक्चर ट्यूब तो नॉर्मल, टीवी नॉर्मल होती थी, उसका केस जो होता था ना, केस जो होता, उसमें सेटर वेटर लगा देते थे। अबे भाई,
ठीक है भैया सुनो, तो भैया अब जो टीवी आ रही ना इतनी पतली सी आती है एचडी क्वालिटी में, वो सेमीकंडक्टर का ही कमाल है। सेमीकंडक्टर नहीं होता तो ना तो आप इतनी पतली टीवी चला सकते थे, ना इतना पतला फोन चला सकते थे। ठीक है भैया, कोई सी भी चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है भैया, तो फिर भैया अरे भाई प्लीज। ठीक है, अब इसमें आपने देखा कि अगर हम सेमीकंडक्टर को टर्मिनल्स को चेंज कर दे तो सेमीकंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है भैया, चेंज कर ले रहा है। एक कंडीशन में एक टर्मिनल से तो करंट को अलाउ कर रहा है, लेकिन दूसरे टर्मिनल से करंट को अलाउ नहीं कर रहा। जिस टर्मिनल से करंट को अलाउ कर रहा है उसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। उसे क्या कहते हैं भैया? फॉरवर्ड बायसिंग। और जब आप उल्टा कर दे रहे हो और ये करंट को अलाउ नहीं कर रहा, स्विच ऑन बल्ब ऑफ हो जा रहा है, तो इसे कहते हैं भैया रिवर्स बायसिंग। ठीक भैया, अब फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक भैया, सिंपल सा बायसिंग का मतलब क्या हुआ भैया? बैटरी के साथ ये सेमीकंडक्टर को जोड़ना, इसे बायसिंग कहते हैं। जब करंट अलाउ करता है पीएन जंक्शन तो उसे कहते हैं भैया फॉरवर्ड बायसिंग। वहां पर रेजिस्टेंस मिनिमम रहता है, करंट क्या होता है भैया? मैक्सिमम रहता है। लेकिन जब यही क्या करता है भैया, इसको उल्टा जोड़ दिया जाता है, तो यहां पर ये करंट को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। ठीक है भैया, करंट को ब्लॉक कर देता है। करंट जीरो, रेजिस्टेंस क्या होता है भैया? मैक्स। एक ही सेमीकंडक्टर दो दो प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो इसे रास्ते में जोड़ करके इसके बहुत सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है भैया, तो अब बैठो। ठीक है, अब जरा फॉरवर्ड बायसिंग को समझ लीजिए। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? नहीं खैर, अभी तो खैर आपको बताऊंगा। कल छुट्टी भैया सबकी स्कूल की? कितने तक? 5 तक है ना। कोई भी टॉपिक दिया उससे रिलेटेड आप बता सुना, कोई टॉपिक दिया उसके ऊपर कोडिंग करते हैं। अभी बनाया नहीं है, एक दिन दिखा दो, मैंने भी एक दिन बना दिया। बंदा एक मेरे को करना गया नाम है, करना देखिए भैया भाई प्लीज भाई, आपको जो नोट्स में से कॉपी करने हैं आपको, सबसे पहले भैया एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर है। ठीक है भैया, ये पूरा कॉपी करना है भाई प्लीज। देखिए प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। ठीक है, तो एक दो दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर ये। ठीक है, पहले आपको एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर करने हैं। इसमें आपको 4 एडवांटेज दे रखी है। ठीक है भैया, तो नोट्स में से कॉपी कर लेना, पढ़ लोगे आपको थ्योरी एडजस्ट समझ में आएगी। ठीक है भैया, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर जो सेमीकंडक्टर है उनको कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया। तो पहला भैया एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। अब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मतलब जो एलिमेंट के बने हो केवल, जैसे हो गया आपका सिलिकॉन, नाम ले रहा था मैं। ठीक है भैया, आपका कार्बन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इंडियम हो गया, ये सारे के सारे क्या भैया? एलिमेंटल है। एलिमेंट मतलब जिसमें केवल एक एटम हो उसे क्या कहते हैं भैया? एलिमेंट। एक एक एटम, एक टाइप के एटम हो उसे एलिमेंटल कहते हैं भैया। ठीक है भैया, दूसरा भैया कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है भैया, कंपाउंड सेमीकंडक्टर तो ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं भैया जिनके अंदर बहुत सारी चीजों से मिलाकर बनाया जाता है। इसमें कुछ है भैया इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक क्या होते भैया? जिसमें भाई प्लीज, इनऑर्गेनिक क्या होते भैया? जिसमें आपके
का जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं मेरे को, ज्यादा बहुत जानकारी को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में नहीं है, तो आप लोग कॉपी कर लेना यहाँ से, ठीक है भैया। ये आपको लिख रखा है बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद भैया देखिए यहां से मुझे आपको बताने की बात पड़ेगी भैया, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर एनर्जी बैंड है, बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, ये आपको बहुत ज्यादा पता नहीं है, ठीक है भैया। आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए एनर्जी बैंड क्या होता है, यहाँ पर किसी भी, अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, तो उस सेमीकंडक्टर के तीन लेवल होते हैं, ठीक है भैया। एक होता है इलेक्ट्रॉन, जहां पर हमेशा प्रेजेंट रहता है उसको कहते हैं बैलेंस बैंड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमेशा रहते हैं, ठीक है, हर तापमान पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलने वाले यहाँ पर। एक होता भैया एनर्जी बैंड गैप, ठीक है, इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का होता है। आपने शायद केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इसके बाद सॉलिड्स आ गया चैप्टर में, आउटर सिलेबस है, चलो ठीक है। ये बैलेंस बैंड है, ये भैया कंडक्शन बैंड है, और इसे कहते हैं एनर्जी गैप, ये भैया ध्यान दीजिए भैया। अभी क्या होता है भैया, ये मान लीजिए एक एटम है, मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, ये एटम है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, ठीक है भैया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, ऑर्बिट में, कहाँ रहते हैं भैया, ऑर्बिट में। तो भैया जो भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बैलेंस बैंड को और ऑर्बिट को एक जैसा समझ लो, बैलेंस बैंड और ऑर्बिट को एक जैसा समझना भैया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब तक ऑर्बिट में रहता है तब तक वो फ्री नहीं रहता है एटम से, और जब तक फ्री नहीं होता इलेक्ट्रॉन तब तक उसका रोल कंडक्टिविटी में नहीं होता। आपको पता है कंडक्टिविटी में कौन से इलेक्ट्रॉन अपना रोल प्ले करते हैं, पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहते हैं यानी बैलेंस बैंड में रहते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता कंडक्टिविटी में, क्योंकि वो फ्री ही नहीं है। उनके ऊपर किसका इफेक्ट है भैया, न्यूक्लियस का इफेक्ट है, और न्यूक्लियस उनको फ्री नहीं होने दे रहा, चलने नहीं दे रहा, जो चलेगा नहीं तो उसके लिए कंडक्टिविटी क्या होगी भैया, जीरो होगी। अभी क्या होता है भैया, अगर आप इसको क्या करो, एनर्जी दे दो, क्या कर दो, मान लीजिए इसको निकलने के लिए 4 जूल एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, अगर आप इसको 1 जूल दोगे तो क्या निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो फ्री नहीं होगा, और फ्री नहीं होगा तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, ठीक है। आपने 2 जूल दी, फिर भी निकलेगा, लेकिन 4 जूल दे दीजिए तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और ये क्या होगा भैया, फ्री हो जाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है भैया, कंडक्टिविटी में अपने रोल को प्ले करता है। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी होता है, ये बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन धसे पड़े, ठीक है भैया, मैंने इनको एनर्जी दी, ठीक है, अभी निकला, और एनर्जी दी, नहीं निकला, और एनर्जी दी, नहीं निकला, और ज्यादा एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भैया, यहाँ चला जाएगा, क्या करेगा भैया, तो वो कितनी एनर्जी थी, तो वो इतनी एनर्जी थी, वो क्या थी भैया, मतलब उस एनर्जी को मैंने 4 जूल नहीं लिखा, मैंने उसके लिए ग्राफ बना दिया कि भैया इतनी एनर्जी अगर मैं इलेक्ट्रॉन को दे दूंगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जंप कर जाएगा, बैलेंस है कंडक्शन में, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, फ्री हो जाता है, क्या होता है भैया, फ्री हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो उसका वो क्या करता है भैया, कंडक्शन कंडक्टिविटी में अपने रोल को क्या करता है भैया, प्ले करता है, समझ गया भैया। तो सेमी कंडक्टर के 3 बैंड होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन हर तापमान पे रहता है उसे क्या कहते हैं भैया, बैलेंस बैंड, ठीक है भैया। इसमें इलेक्ट्रॉन रह करके कंडक्टिविटी शो नहीं करता, क्योंकि अभी एटम के साथ एकदम अटैच है। अगर आप इसको एनर्जी दोगे तो एनर्जी गैप, देखिए हर हर मटेरियल का एनर्जी गैप क्या होता है भैया, अलग अलग होता है, हर मटेरियल का एनर्जी गैप क्या होता है भैया, अलग अलग होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, तो ये दोनों एनर्जी गैप होता ही नहीं है उसके अंदर, एनर्जी गैप, तो आप थोड़ी सी भी एनर्जी दे दोगे कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्टिविटी शो करने लगेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर की बात करूं तो ये एनर्जी गैप क्या होता है, होता है, ठीक है भैया, और आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो कहां पहुंच जाए, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्टिविटी शो करे। लेकिन इंसुलेटर के इसमें ये एनर्जी गैप क्या होता है भैया, बहुत ज्यादा होता है, आप इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे ही नहीं सकते, तो वो यहां से यहां पे जंप करके नहीं जा पाएगा और कंडक्टिविटी भी शो नहीं करेगा। ये 3 बैंड होते हैं, एक होता है भैया बैलेंस बैंड, दूसरा होता है भैया कंडक्शन बैंड, और तीसरा होता है आपका एनर्जी गैप, ठीक है भैया, समझ गए। बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन कभी कंडक्टिविटी शो नहीं करता, हर तापमान पर वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यहां पर कभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, पता क्यों, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो या तो यहां जाएगा या वापसी आएगा, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आपका नहीं मिलता, यह हमेशा क्या होता है भैया, एम्प्टी रहता है, ठीक है भैया। तो कल से इस चैप्टर की थ्योरी मैं लिखवाना चालू करूंगा, ठीक है, नोट्स आपके पास पढ़ेंगे, ठीक है, थ्योरी बहुत डिटेल में लिखवाऊंगा लेकिन हर चीज को समझा दूंगा, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। जहां पर 2 टाइप के सेमीकंडक्टर उसे डायोड